हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और लेकर आई हूं हिना खान की अपडेट। जी हां, आखिरकार ऐसा क्या है जो हिना खान अब मीडिया में सबसे ज्यादा बन रही हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जहां आप जानते हैं कि जैसे ही एकता कपूर की सीरीज आई थी ट्रिपल एक्स और उसे लेकर इतना ज्यादा विवाद क्रिएट हो गया था कि जहां हिंदुस्तानी भाऊ ने बहुत सारे वीडियोस बना लिए थे, बहुत लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था क्योंकि फौजियों के ऊपर एक ऐसा एक तरह से उन्होंने सीरीज बनाया था जो बहुत ज्यादा विवाद क्रिएट कर चुका था। अब इस विवाद में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन देना शुरू कर दिया था, जैसे अनुष्का शर्मा थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीवी के स्टार जिन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर इस तरह की कास्टिंग की जा रही है या ऐसा दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को रियल लाइफ से जोड़ा जाए। पर उसके बाद कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स थे वो एक तरह से एकता को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जो दिखाया है वो गलत दिखाया है। इस तरह का ये विवाद फिलहाल तो 15 दिन से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अब इस विवाद में एक और नाम जुड़ गया है, वो है हिना खान। जी हाँ, हिना खान ने सपोर्ट किया है उन्होंने एकता कपूर को और उन्होंने ये बात कहा है कि भाऊ को कि आप जिस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं आप एक औरत के लिए वो बहुत गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया है तो आप जो ये बात कर रहे हैं वो उसका ही ज्यादा उससे भी गलत है। हिना ने एकता का सपोर्ट करते हुए ये भी कहा कि टेलीविजन की जो भी चीजें हैं वो दिखाई जाती है वो कोई भी रियल लाइफ से आप कहीं ना कहीं उसे एक तरह से उसको और रियल लाइफ और रियल लाइफ को आप मिला के मत देखिए। और आप एक लड़की को लेकर अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें जब से हिना खान ने किया है तब से भैया आप तो हिना खान भी ट्रोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि फैंस को या तो फौजी की जो बीबियां हैं उन्हें हर किसी को ये बात लग रहा था कि एकता ने जो वो दिखाया ट्रिपल एक्स लेकर वो बहुत ही ज्यादा गलत था। वहीं पे यूट्यूबर्स ने अफकोर्स ये सपोर्ट में ही बनाया है वीडियो क्योंकि एकता को उन्होंने गलत साबित किया है। पर भाऊ और एकता की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एकता अपनी तरफ से भाऊ को कुछ कहती है, भाऊ अपनी तरफ से उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाते हैं, जिसके चलते विवाद दिन पे दिन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पर सेलिब्रिटी का इस तरह इन्वॉल्व होना वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा बनता जा रहा है क्योंकि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको हिना खान पे ही बनने वाला है। पर वेल, हिना एकता की बहुत ज्यादा क्लोज हैं ये हम सब जानते हैं, पर उसी के सपोर्ट में हिना ने ये स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद अब विवाद और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पर वेल, अब तो इंतजार रहेगा कि भाऊ का इस चीज पे क्या रिएक्शन होगा और उसके बाद फिर एकता का और हिना का क्या रिएक्शन होगा, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर ट्रिपल एक्स का ये जो विवाद है वो किस दिन थमेगा? क्या एकता से लोग जो ये मांग रहे हैं कि सिर्फ एकता के सामने माफी मांग ले उन्होंने जो दिखाया है, पर एकता भी अपनी चीज पे अड़ी हुई है कि वो माफी नहीं मांगेंगी? भाऊ जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो कहीं ना कहीं रुकने के लिए नहीं तैयार है कि अगर आप इस तरह करेंगी, अगर आप देश के खिलाफ जाएंगी, अगर आप देश के फौजियों के बारे में इस तरह की चीजें बताएंगी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये दो जो दो लोगों के बीच की लड़ाई है इसमें लोग जो धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये लड़ाई वैसे भी काफी लंबा चलने वाला है। पर वेल, आपको क्या लगता है इस ट्रिपल एक्स के विवाद को लेकर? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।